तो होंडा कंपनी दो पहिया वाहन की जो कंपनी है उसमें ना दो गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, एक तो एक्टिवा, मतलब अगर आप स्कूटर में लोगे तो एक्टिवा, और मोटरसाइकिल में सबसे फेमस जो है, जो लोगों की पसंद है, जो लोग ट्रस्ट करते हैं जिस बाइक पर, वो मेरे सामने खड़ी है, होंडा यूनिकॉर्न। दोस्तों बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे इस बाइक के, बहुत भरोसेमंद बाइक है और 160 सीसी में आती है और मतलब कमाल के फीचर्स के साथ आती है, और हर एक जो पार्ट इस बाइक में लगा हुआ है, चाहे ब्रेक ले लो, चाहे आप टायर ले लो, चाहे आप फुटरेस्ट ले लो, चाहे इंजन ले लो, सब बेस्ट क्वालिटी का लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में हमारी वीडियो की खासियत ये होती है कि सबसे पहले जान लो इसका ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, RS होंडा, ये मैरिस रोड के पास होंडा का शोरूम पड़ता है जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ के इसके ऑन रोड प्राइस जो हो जाते हैं वो 1,33,699 रुपये, 1,33,699 रुपीज़ इसका टोटल ऑन रोड कॉस्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें एक्सेसरीज इंक्लूड नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में होंडा कंपनी हमको क्या क्या दे देती है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी की से। तो आप थोड़ा एक्साइटेड होंगे इसकी की देखने के लिए, कुछ इस टाइप से वेव की देखने को नहीं मिलती है। होंडा के लोगों के साथ ये की सिंपल वाली देखने को मिलती है। इग्निशन यहाँ है, डिजिटल मीटर कंसोल इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, एनालॉग में देखने को मिलता है, पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड है राउंडेड शेप में। ये आ जाता है स्पीडोमीटर, और ये ट्रिप वाला आ जाता है, और ये आ जाता है इसका मेन ऑडोमीटर। RPM मीटर की भी इसमें निडल दी गई है, और यहाँ फ्यूल गेज और आपका चेक इंजन का, न्यूट्रल का, इंडिकेटर का, और हाई बीम लो बीम के इंडिकेशंस के साथ ये राउंड शेप में एनालॉग में इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है। और थोड़ा सा ये आड़ में है, मतलब सपोर्ट में है इसके वाइजर के, आपको जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा कि साइड में बढ़ जाते हैं, या आपका इंजन किल स्विच आ जाता है और नीचे की तरफ सेल्फ का बटन आ जाता है जैसे दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके लीवर्स की। देखो लीवर्स भी ब्लैक कलर के यूज़ हुए हैं सिंपल से, और इधर की साइड में बढ़ जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये आपका हाई बीम लो बीम, पीछे की तरफ प्रीमियम क्वालिटी के स्विच यूज़ हुए हैं, पासिंग का स्विच यूज़ हुआ है, और ये आपका इंडिकेटर, और ये हॉर्न का स्विच यूज़ हुआ है। ये देख लो ऊपर से देखने में आपका हैंडल बार और मीटर कंसोल कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। E20 में यानी कि देखने को मिलती है गाड़ी, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, BS6 गाड़ी है दोस्तों, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर की इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, यानी कि 13 लीटर में ये पेट्रोल में ये गाड़ी पूरी तरह से फुल हो जाएगी। अब माइलेज की बात कर लेते हैं, 160 सीसी सेगमेंट में ये गाड़ी आपको 50 से 55 तक का माइलेज आराम से कोट कर देगी, पर कंडीशन क्या होगी दोस्तों, आपको 40 से आपको 60 के बीच में गाड़ी चलानी पड़ेगी अच्छी कंडीशन में, टायर प्रेशर अच्छा लगना पड़ेगा, और बहुत ही जो आइडल कंडीशन होती है उसमें ये गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये देख लो जो आपका टैंक है वो उसके ऊपर होंडा का 3D में लोगो आ जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों इस ये गाड़ी जो है टोटल 4 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक मेरे सामने खड़ा है, रेड भी आता है, ग्रे मेटालिक भी आता है, और इसमें PS ब्लू जो एक्टिवा 110 सीसी में PS ब्लू आता है वो भी कलर इसके अंदर अवेलेबल है। सीट काफ़ी लंबी आ जाती है और काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो दोस्तों इसकी सीट हाइट 798 mm की हो जाती है, यानी कि आपका जो 5.5 फिट के बंदे यानी शॉर्ट हाइट है, मतलब 5.5 तक के फिट के बंदे हैं उसको आराम से चला पाएंगे। लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाड़ी का, और दोस्तों इसका जो कर्व वेट है पूरी गाड़ी का वो 140 किलो की ये गाड़ी हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो दोस्तों जो है इस गाड़ी का वो 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ये देख लो इसका इंजन पास से, फिंस जो हैं आपको डायमंड कटिंग में दिए गए हैं, इंजन जो है आपका एक्चुअल सीसी है, 162.7 सीसी का इंजन है, और 12.73 BHP की पावर और 14 Nm का टॉर्क इस इंजन में देखने को मिलता है। गाड़ी में 5 गियर देखने को मिलते हैं, और गियर का जो लीवर है वो सिंगल यूज़ हुआ है, 1 down 4 up, और साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर भी, ये देखो लीड दिख रही होगी, देखने को मिलता है, यानी कि साइड स्टैंड लगा है, तो गियर से ही गियर में डालोगे गाड़ी तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। साइड में इंजन के नीचे जो काउल है उस पर लिख कर आ जाता है मोनो सस्पेंशन, यानी कि गाड़ी में आगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ हुए हैं लेकिन पीछे की तरफ मोनोसॉक सस्पेंशन यूज़ हुए हैं। आपको अगर दिख रहा होगा देखिए वो है, जिससे कि बेहतर सस्पेंशन गाड़ी में, तो आपको गाड़ी बेहतर सस्पेंशन दे पाएगी। यह आ जाता है स्टिकरिंग, जो कि यूनिकॉर्न की स्टिकिंग है, सीट के नीचे वाले काउल पे पीछे ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है ब्लैक लग कलर का,
और पीछे की जो बैक लाइट है आपको हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलती है और होंडा का स्टिकरिंग और हैलोजन में ही आपके इसके इंडिकेटर जो कि फ्लैक्सिबल हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की मतलब विजिबल करने की जो लाइट होती है विजिबल करने की वो आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलती, वो आपकी बैक लाइट से ही कवर करेगी। यहाँ नंबर प्लेट और ये आ जाता है इसका पीछे वाला मड गार्ड जो कि फाइन क्वालिटी का देखने को मिलता है। पीछे वाला टायर आपको मैं दिखाऊं कितना चौड़ा देखने को मिलता है, ये देख लो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का टायर देखने को मिलता है। ये देख लो कौन सी कंपनी का है, MRF का टायर है और पीछे वाले टायर का साइज़ 100/90 और 18 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर है अलॉय व्हील में। ये आ जाता है इसका मफलर जो कि काफ़ी लंबा यानी कि गाड़ी के साइज़ का ही है। मफलर के ऊपर यानी कि साइलेंस के ऊपर ये प्लेट लगाई गई है ग्रे कलर की और उसके ऊपर एक पैर रखने के लिए सपोर्ट भी दिया गया है। ये फुट रेस्ट हैं जो कि फोल्डेबल हैं, रबर की कवर किया गया है फुट रेस्ट पे कुछ इस टाइप से। और ये आ जाते हैं आपके राइडर वाले फुट रेस्ट जो कि फोल्डेबल हैं। ये आपका ब्रेक वाला जहाँ से ब्रेक लगाओगे और ये गाड़ी किक दोनों से ही स्टार्ट हो जाती है यानी कि यहाँ गाड़ी के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं यानी कि गाड़ी मतलब जब किक है तो अगर बैटरी वगैरह डाउन हो गई तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आ जाता है आपका साइलेंसर वाला पार्ट। इधर से देखने में इंजन कुछ इस टाइप से लग रहा है देख सकते हैं आप। और ये आ जाता है ABS यानी कि 240 mm के इसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं आगे वाले। पीछे आपके ड्रम ब्रेक हैं जो कि 130 mm के हैं और 240 mm के डिस्क ब्रेक होने के साथ साथ ये गाड़ी सिंगल चैनल ABS में देखने को मिलती है। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जो आगे का मडगार्ड है वो सही में दोस्तों अच्छी क्वालिटी का देखने को मुझे फील हो रहा है। डोल टोन में है, ग्लॉसी और मैट कलर में, ब्लैक कलर में ये आपका मडगार्ड है। आगे का प्रोफाइल देख लेते हैं कुछ इस टाइप से है। क्रोम में आ जाता है इसका आगे का मतलब जो वर्क है क्रोम में, ऊपर ब्लैक कलर का वाइजर, होंडा का स्टिकरिंग, साइड में आपको फ्लैक्सिबल हैलोजन में ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। हैलोजन में ही यानी कि बल्ब में ही इसकी हेडलाइट देखने को मिलती है और आई थिंक पायलट बल्ब देखने को, हाँ नीचे की तरफ पायलट बल्ब भी छोटा सा देखने को मिल रहा है मेरे को। नहीं दोस्तों रिफ्लेक्शन है, सिंपल एक ही बल्ब आगे गाड़ी में यूज हुआ है ये देख लो। और आगे का टायर मैं अगर आपको दिखाऊँ, MRF का टायर यूज़ हुआ है दोस्तों और जो टायर का साइज़ है आगे वाला वो 80/100 और 18 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलता है। साइड से देख लो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है और इस साइड से मैं दिखाऊं और एक बार मैं फिर से विज़िट करा देता हूं आपको गाड़ी का और साथ के साथ मैं इस गाड़ी का आपको फाइनेंस डिटेल भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी फाइनेंस पे लेनी है और बेहतर सिविल स्कोर है तो आप इसको मात्र 25,699 रुपये देकर इस गाड़ी को आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। HDB करके एक फाइनेंस कंपनी है, उनके द्वारा ये मैंने फाइनेंस डिटेल बनवाई है। अगर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंस जो भैया हैं उनका नंबर फाइनेंस वाले तो कॉल करके पूछ सकते हो और किस्तें कितने रुपए की बनेंगी वो भी जान लो। अगर 24 महीने की किस्त बनानी है इस डाउन पेमेंट पे 25,699 पे तो 6,003 रुपए की किस्त बनेगी 24 महीने की, और 30 महीने की किस्त बनवाओगे तो 5,035 रुपए की, और 36 महीने की किस्त बनवाओगे तो 4,390 रुपए की इसकी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त महीने के महीने आपके खाते से कट जाएगी। जो डिटेल मैंने दी है वो कुछ इस टाइप की डिटेल है। बाकी गाड़ी बहुत दमदार है, बहुत भरोसेमंद है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और हमेशा बेहतर ही प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आप हाईली CC में यानी कि 160 CC में आना चाह रहे हो, होंडा में आना चाह रहे हो, रिफाइंड इंजन के साथ, भरोसेमंद इंजन के साथ, किक के साथ, तो आप इसमें आ सकते हो। फैमिली के पर्पज़ से बहुत ही बेहतरीन गाड़ी के हो जाती है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, सारी जानकारी मैंने इस गाड़ी के बारे में दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।